नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। साल था 2014 जब धोनी टीम इंडिया के नए नए कप्तान बने थे। टीम दुनिया के स्टार खिलाड़ियों से लैस थी, लेकिन नौजवान धोनी ने आते ही टीम में जोश भरना शुरू कर दिया। इसी बीच भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी थी, जिसके पहले एक बड़ा बयान आया कि धोनी सचिन, सहवाग और गंभीर को टीम में खिलाना नहीं चाहते। वजह थी खराब फील्डिंग। तब खबरें चली थी कि धोनी और सहवाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई बार मीडिया में इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ा, लेकिन अब इतने सालों के बाद खुद सहवाग ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, मेरे और धोनी के बीच लड़ाई की बातें की जाती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता कि मीडिया के कौन से सूत्र हर किसी को ऐसी जानकारी मुहैया कराते हैं। अगर एक घर में चार लोग रहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वे सभी एक साथ खाना खाएं या फिर एक साथ बाहर जाएं, मगर किसी समारोह में सभी एक साथ होते हैं। सहवाग ने रोहित कोहली के झगड़े को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सहवाग ने कहा है, इस तरह की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और ऐसी बातें करना मूर्खता से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि विराट और रोहित के बीच किसी तरह का झगड़ा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ खाना नहीं खाते तो उनके बीच किसी तरह की लड़ाई होने का अनुमान लगाना गलत है। सहवाग ने कहा कि जब तक दोनों की लड़ाई का पुख्ता प्रमाण नहीं सामने आता, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपको बता दें कि विश्व कप के बाद से ही खबरें थी कि टीम दो भागों में बढ़ गई है। इसी बीच ये भी खबरें थी कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि अगर छत पर खड़े होकर चिल्लाकर भी कहेंगे तो भी विराट और रोहित के बीच झगड़े की खबरें खत्म नहीं होंगी। मगर जब इस बारे में सहवाग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के बीच कोई झगड़ा नहीं है।